ओके गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Realme 3 3IC.12 अपडेट और Realme C2 Realme UI कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में। तो यार ये दोनों ही टॉपिक्स को आज और अभी इस वीडियो में क्लियर करने वाला। सो गाइस, आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, जो Realme 3 एंड 3i डिवाइस है उसमें अभी तक C.12 अपडेट किसी यूजर को नहीं मिला है, लेकिन हाँ जो C.11 अपडेट है वो करीबन 4 दिन पहले से 3 एंड 3i में रोलिंग आउट हो चुका है। और ना मेरे अकॉर्डिंग 75 यूजर्स को ऑलरेडी C.11 अपडेट 3 एंड 3i में मिल चुका है, जिसमें से कुछ यूजर्स ने पहले शुरुआत में मैन्युअली इंस्टॉल कर लिया और कुछ यूजर्स ने OTA थ्रू इंस्टॉल किया। ओके, आई नो कि Realme ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट से C.11 अपडेट की फाइल टोटली हाइड हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ पर Realme 3 एंड 3i को चेक करोगे तो यार आपको कहीं पर भी ये दो डिवाइस नहीं मिलेंगे विथ यहाँ पे जो C.11 अपडेट की मैनुअल फाइल है वो भी हाइड हो चुकी है। सो अभी तो फिलहाल C.11 अपडेट को मैनुअली इंस्टॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, और ना अब बहुत सारे यूजर्स के मन में ये डाउट है, मेन्यू लिंक हट चुका है और जो C.11 अपडेट है वो परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है। इसी कारण जो पेंडिंग डिवाइस है उनमें अभी तक C.11 अपडेट नहीं मिला है। और बहुत सारे यूजर्स के मन में ये भी डाउट है कि भाई C.11 में बहुत ही बड़ा इशू है, उसी कारण जो है वो अपडेट सस्पेंड हो चुका है और बहुत ही जल्दी जो है C.12 का अपडेट मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऑफिशियली मेन्यू लिंक हट चुका है, मुझे पता है, आई नो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि C.11 अपडेट परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि C.11 अपडेट के साथ कुछ मेजर इशू फेस हो रहा है, उसी कारण आपको C.12 अपडेट जल्द ही मिलेगा। देखो और किसी भी हिसाब से ना ये लॉजिक कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है। ओके, अगर कुछ इस टाइप का होता ना तो Realme की तरफ से हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती और जो C.12 अपडेट है वो भी थोड़े बहुत यूजर्स को मिल जाती, लेकिन यार इस टाइप का कुछ हुआ नहीं है, ना तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है और ना ही किसी यूजर को C.12 अपडेट, तो विश्वास कहाँ पर करे। और ना रही बात C.11 अपडेट मैनुअल लिंक की, तो यार देखो फाइल में टेक्निकल इशू हो सकता है, कुछ गड़बड़ी आ गई होगी और उसे जो है बहुत ही जल्दी सुधार किया जाएगा और फिर से फाइल को अवेलेबल किया जाएगा। ओके, तो यार देखो लास्ट में बस मैं यही बोलूंगा C.12 अपडेट के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज अभी तक किसी भी यूजर को नहीं मिला है और आप जो है इससे दूर ही रहो। अगर इन फ्यूचर किसी यूजर को मिलता है या फिर रोलिंग आउट होता है तो यार मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा, पक्का आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप इससे दूर ही रहो। ओके, देन नाउ अब बात कर लेते हैं Realme C2 Realme UI कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में। बेसिकली Realme C2 में Realme UI का अपडेट अभी तक मिला नहीं है और ट्रायल अपडेट वो भी नहीं मिला, स्पेशल अपडेट वो भी नहीं मिला, मतलब कि घुमा फिरा के Realme C2 में Realme UI अपडेट से जुड़ा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। ओके, लेकिन हाँ ऑफिशियली Realme UI का अपडेट कब मिलने वाला है ये कन्फर्म हो चुका है। एंड हाँ ये एक बिग बैड न्यूज़ है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना Realme C2 Realme UI अपडेट रिलीज डेट को लेके, उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हैशटैग आस्क माधव एपिसोड 17 रिलीज हो चुका है और वहाँ पर ना हमारे Realme CEO माधव सर से डिट्टो सवाल पूछा गया था कि भाई Realme C2 में Realme UI का अपडेट कब मिलने वाला है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो Q3 में मिलने वाला था, बट Q3 में 3 मंथ आते हैं, इसी कारण कन्फ्यूज़न हो रहा था कब रोलिंग आउट चालू होगा और कब मिलेगा। तो फाइनली जो है हमारे माधव सर ने आंसर दिया है, बोल रहे हैं कि जो Realme C2 में Realme UI का अपडेट मिलेगा वो सितंबर में मिलेगा, सितंबर 2020 में। ओके, पहले जो है आप इस छोटे से क्लिप को देख लो जहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है। ओके, month can we expect Realme UI update for Realme C2? When we announced our roadmap for Realme UI with Android 10, we told you guys Realme C2 will receive its update in Q3 of 2020. Here's an update, we will start the rollout for the Realme C2 in the month of September. Okay, ये एक bad news है, अभी जो है Realme C2 में Realme UI का update directly September 2020 में मिलेगा, लेकिन हमारी expectation थी कि जुलाई के month में officially Realme C2 में सभी users को Realme UI का update मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर Realme का plan ही कुछ अलग है, September तक भाई खींच लिया है, अब बहुत दूर हो चुका है। एंड गाइस ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, खुद Realme के CEO माधव सर ने किया है, तो यार विश्वास तो करना ही पड़ेगा और नो ऑप्शन, आपको जो है और बहुत लंबा वेट करना है। फिलहाल तो यार अभी जून का मंथ चालू है, जुलाई का जाएगा, फिर अगस्त, फिर सितंबर,
तो बहुत ही लंबा वेट करना है, और ये एक बैड न्यूज़ है पता है मुझे, लेकिन हाँ आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। बहुत ही जल्दी आपको जुलाई के मंथ में कलर ओएस बेस का एक अपडेट ज़रूर मिलेगा, जून के मंथ में तो अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जुलाई के मंथ में डेफिनेटली आपको न्यू अपडेट कन्फर्म मिलेगा। एंड अगर मुझे कुछ और रियलमी सी टू रियलमी यूआई अपडेट को लेकर कुछ पता चलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपका छोटा भाई आपको 100% रिप्लाई देगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक नीचे से ऊपर से जहां से आपको मिलता है वहां से बस लाइक के बटन को ठोक दो। ओके एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।